बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ़ हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चीज़ी चिकन लज़ानिया की रेसिपी लेकर आया हूँ। आप इसे अफ्तार पार्टी में बना के इंजॉय कर सकते हैं या फिर ईद आ रही है, ईद के दावत पे बना के सर्व करें मेहमानों के आगे। कुछ डिफरेंट है, सबको बेहद पसंद आएगा। डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं आप इसे, हर ओकेजन पे बना सकते हैं, सबको बेहद पसंद आएगा। तो चलाइए देख लेते हैं इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो चलाए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, एक पैन मैंने रख दिया, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा चॉप अनियन, यूज कर रहा हूँ आधा कप। एक मैंने मीडियम साइज का ले लिया जिसे मैंने चॉप कर लिया था, चॉपर में डाल के इसे हम हल्का सा भून लेंगे प्याजों को। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लूंगा अदरक लहसुन को भी, चंद सेकंड के लिए प्याजों के साथ भून लूंगा। जब अदरक लहसुन भून जाए तो फिर मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा चिकन का कीमा 300 ग्राम। एक मैंने बैक्स पीस ले थे, इसका मैंने कीमा बना लिया था अच्छे से धो के, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमे को। और कीमे को इतना भून लेंगे कि इसका रंग बदल जाए, पिंक से वाइट हो जाए, तब तक मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा हल्दी 1/2 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा नमक 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ना हो आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून। और अब मिसालों के साथ में कीमे को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है कीमा हमारा। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा टमाटर का पेस्ट, यूज करते हैं मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के ले लिए थे, टमाटर की क्वांटिटी में थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी, तो आप 1 कप तक डालिएगा। ये देखिए हम अच्छे से मिक्स दे देंगे। और अब मैं इसे ढक के पकाऊंगा 5 से 7 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ। कीमे को हमने अच्छे से भून लिया टमाटरों के साथ भी 5 से 7 मिनट के लिए। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा चिली सॉस 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा सोया सॉस 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा हॉट सॉस 2 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा चिली गार्लिक सॉस 3 से 4 टेबल स्पून। आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं इस जगह। अच्छे से मिक्स कर लूंगा इन सॉस के साथ। मैं 1 से 1.5 मिनट तक बस कीमे को भून लूंगा। ये देखिए कीमा हमारा तैयार है। इसे थोड़ा गीला गीला ही रखिएगा, बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा। तो चलिए इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए मैंने पॉट रख दिया वही वाला, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसी के साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 2 टेबल स्पून। ये देखिए मैदे को हल्का सा भून लेंगे, मैदे का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। पॉइंट पे आप आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा, इसके खुशबू आ जाए इतना हमें भून लेना है। ये देखिए मैदा अच्छे से भून चुका है। और यहाँ मैंने 2 कप दूध ले लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे हैंड मिक्स से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने इस तरीके से। इस पॉइंट पे आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा, इस तरीके से आप ऐड करेंगे, एकदम से नहीं ऐड करेंगे सारा। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम सारा ही ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा नमक 1/2 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ओरिगोनो 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा 1 चिकन क्यूब। आप इस जगह पाउडर भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया था। इस चिकन क्यूब में भी अच्छा खासा नमक होता है, ये सोल्टी होता है इसलिए। और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगा, इसे अब गाढ़ा हो जाएगा। इसे गाढ़ा होने में बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसी के साथ मैं इसके अंदर
दो चीज़ क्यूब भी मैं ऐड कर दूंगा। पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करो आप, कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको भी मेल्ट कर लेंगे, बस हम इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे तो सॉस हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए सॉस हमारा रेडी है। देखिए इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक आप करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा, तो फिर ये काफ़ी थिक हो जाएगा। ये देखिए अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे सॉस को। यहाँ देखिए मैंने सर्विंग बोल ले लिया। सबसे पहले हम बेस में यही सॉस लगा देंगे जो हमने बनाया था। ये देखिए हल्का सा लगाएंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। फिर मैं लजानिया शीट की लेयर लगा लूंगा। ये देखिए ये आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट से। ये देखिए जितना बोल में आ रहा है इतना लगाएंगे और वहां से काट लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम काट लेंगे। इस तरीके से लगा लेंगे इसकी लेयर। देखिए इसके ऊपर हल्का सा सॉस लगा लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको लजानिया शीट नहीं मिल रही है तो आप इस जगह पास्ता भी यूज कर सकते हैं, अपने फ्लेवर का जो आपको पसंद हो। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे स्टफिंग क्रीमे की जो हमने आपके सामने बनाई थी जबरदस्त सी, ये हम आधे डाल देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ऐसे वही स्टेप रिपीट करेंगे। लजानिया की शीट लगा लेंगे, ऐसे सॉस लगा लेंगे, अब कीमा डाल देंगे। ये देखिए ये लास्ट लेयर अब मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए बचा हुआ सारा सॉस हम डाल देंगे, जितने भी बच गया आप सारा डाल दीजिएगा। कर लेंगे, इसके ऊपर डाल दूंगा चीज। मैं पिज्जा चीज यूज कर रहा हूँ, आप कोई सी भी चीज ले सकते हैं। मैंने 1 कप यूज किए। स्प्रिंकल कर दूंगा कुटी हुई मिर्च, इससे लुक बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ। के साथ में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा ओरिगोनो, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 200 डिग्री पे रख के 10 मिनट अवन को प्री हीट कर लिया, तो अब मैं इसे 25 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए तो ये देखिए बेक लजानिया हमारा बेक होके आ चुका है। अब मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगा, बस ये हल्का सा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है। ये देखिए अब मैं आपको कट करके भी दिखा दूं, बहुत ही मजे का बनते हैं। आप इसे अफ्तार में बना के एंजॉय कर सकते हैं, डिनर में या आने वाले ईद दावत में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा, चीज लवर्स के लिए तो बिल्कुल आइडियल है जो चीज के लिए क्रेजी है। और जो हमने इसके अंदर सॉस फिल किए उसके उसके साथ तो इसका टेस्ट और दुगना हो गया। ये देखिए और अब मैं आपको निकाल के भी इसका फाइनल लुक दिखा दूं, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और सभी की फेवरेट होती है चीज लजानिया। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितना चीजे चीजे साथ तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए आप देख सकते हैं। चलो अब मैं इसे सर्व कर लूंगा। ये देखिए मैं इसे सर्व करने लगा हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बना के एंजॉय कीजिएगा अफ्तार में और ईद दावत में भी, वैसे भी ईद आ रही है, आप बना के इसे सर्व करें। अगर आपको ये चीजी चिकन लजानिया की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।